तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है और आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है तो भी अपना आयुष्मान कार्ड आप बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपका भी लिस्ट में नाम नहीं है और आप अपना किसी का भी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे बनाना है, क्या उसका प्रोसेस है। आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है और आप भी अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना है SSUP, ठीक है। पहले आपको लिखना है SSUP और आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। अगर आप घर बैठे ही बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है SSUP और इतना लिख के सर्च करना है। यहाँ पर एक पहला लिंक देखने मिलेगा, आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं चेक आधार वैलिडिटी का। तो सबसे पहले आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसका आयुष्मान कार्ड आप बनाना चाहते हैं उनका आधार नंबर यहाँ आपको टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और प्रोसीड्यूरल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कर लीजिएगा। इतना करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका आधार नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपका एज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लास्ट में मोबाइल आपको दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आप घर बैठे बनाना चाहते हैं, तो ये मोबाइल नंबर जो है ये आपके पास होना चाहिए तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अपना स्मार्ट कार्ड नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर देख लिए हैं। तो ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर है। उसके बाद फिर से आपको एक नए टैब को ओपन कर लेना है। अपना आधार नंबर चेक कर लिए कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। उसके बाद यहाँ आपको कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in, ठीक है। आपको इतना लिखना है, लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने पर देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये पोर्टल जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इस पोर्टल पे आपको आना है, नीचे थोड़ा सा चले आना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला बेनिफिशियरी, दूसरा ऑपरेटर का। तो आप बेनिफिशियरी के माध्यम से नहीं बना पाएंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ऑपरेटर का ऑप्शन। आपको ऑपरेटर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपको देखने मिलता है यहाँ पर कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो जिस मोबाइल नंबर से आपका ऑपरेटर आईडी बना हुआ है मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसे मोबाइल नंबर टाइप करके वेरीफाई कर लीजिएगा तो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप करना है, कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जैसा आप यहाँ पे देखते हैं सेकंड भी चल रहा है और सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा, 180 सेकंड का टाइम रहता है तो यहाँ आपको सेकंड कंटिन्यू देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। बहुत से भाई बोलेंगे वीडियो एडिटिंग है तो यहाँ पे एडिटिंग आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखते हैं सेकंड भी चल रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाइएगा, लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपका जिस भी स्टेट की आईडी रहेगी आईडी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कीम नेम को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्कीम है स्कीम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्कीम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ का जो भी स्टेट है यहाँ पे किसी भी स्टेट के ऑपरेटर आईडी है, आप किसी के भी स्टेट का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इस सब स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सब स्कीम पे क्लिक करना है। यहाँ आपको देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सारे में आप अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बनाना है PMJY में, आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड आपका जो भी रहेगा, सॉरी आपका डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बाई का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, फैमिली आईडी, आधार नंबर, PMJY आईडी। तो फैमिली आईडी या फिर आधार नंबर कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फैमिली आईडी को हम सिलेक्ट कर दिए हैं। फैमिली आईडी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कैसे बनाना है वो आप ध्यान से देखिएगा। आपके घर में किसी का भी बना हो, जैसे कि आपकी माता का बना होगा या फिर आपके फादर का बना होगा या फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया रहता है जैसे आपके ग्रैंडफादर का बना होगा, तो यहाँ पर आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। यानी कि आप उनके राशन कार्ड में आप अगर हैं तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पापा का बना होगा तो उनके राशन कार्ड में आपका भी नाम होगा तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। अगर आपकी माँ का यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उनके राशन कार्ड में अगर आपका नाम है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। कैसे बनाना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फैमिली आईडी को टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फैमिली आईडी टाइप करके यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने पर देखने वन फैमिली फाउंड आपको देखने को मिल जाएगा।
जिनका भी आयुष्मान कार्ड बना रहेगा उनका नाम देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेगा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, देखते हैं सोर्स डाटा यस। अगर सोर्स डाटा यस में है तो आप बहुत ही आसानी से अपना यहाँ पे आयुष्मान कार्ड आप बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको हमें थोड़ा साइड में इधर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेगा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एक्शन के नीचे, यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड का एक लोगो बना हुआ है, आपको इसी लोगो पे क्लिक कर देना है। लोगो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड भी चल रहा है और यहाँ आपको देखना डाउनलोड कार्ड, लेकिन आपको डाउनलोड कार्ड वाला ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ आपको देखना ऐड फैमिली मेंबर का एक ऑप्शन, ऐड फैमिली मेंबर आपको इसी ऐड फैमिली मेंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेंबर वाला जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखने प्राइमरी मेंबर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आधार ओटीपी फिंगर प्रिंट आयरिस तीन ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा कुछ कंसेंट देखने मिलेगा, आपको रीड करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, अलाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिंक नहीं है, यानी कि आधार मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐड मेंबर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, इनके जो फर्स्ट फैमिली मेंबर है यानी कि आपके घर में जो फादर या मदर जिसका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उनके आधार कार्ड में लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको फिल करना होगा और जिस ऑपरेटर आईडी से आप लॉग इन किए रहेंगे उसका यहाँ पे डिटेल ओटीपी आपको फिल करना होगा। जैसे फिल करिएगा तो न्यू मेंबर ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, न्यू मेंबर का जो नाम एड उनका डेट ऑफ बर्थ उनका इनसे रिलेशन क्या है सब कुछ वहाँ पे डिटेल को फिल करना होगा और एक बार उनके आधार को टाइप करके ऑथेंटिकेट कर देना होगा। इसके बाद उनके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है, ऑपरेटर आईडी जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, फिल करके उनका ई केवाईसी कर देना है, जैसे कि उनका फोटो को कैप्चर करना होगा, उनका एड्रेस को फिल करना होगा, मोबाइल नंबर वगैरह जो डिटेल मांगा जाएगा डिटेल को फिल करके फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका आयुष्मान कार्ड अप्लाई हो जाएगा। जैसे अप्लाई हो जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे अप्रूव हो जाएगा तो कुछ दिन या कुछ देर बाद वो आपको यहाँ पे लिस्ट में डाउनलोड शो करने लगेगा, तब वहीं लिस्ट में से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐड मेंबर करके बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं अपने घर बैठे ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।